जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, आज हम मन का टॉपिक लेकर के आए हैं। मन को ना तो लोग समझने का प्रयास करते हैं और ना ही मन को समझाने का प्रयास करते हैं, जबकि मन के लिए क्या लिखा गया है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। बंधुओं, मन को ईश्वर भी बताया, देवता भी बताया, और यह भी बताया कि मन से बड़ा कोई नहीं है। मन उजारा जब जब होए, जग उजारा होए। जब मन के अंदर उजाला होता है, प्रकाश होता है, तो संसार में पूरे में फैल जाता है। तो बंधुओं, हमें सब कुछ करते करते इस मन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जब तक हम मन को समझेंगे नहीं, मन को समझाएंगे नहीं, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। और मन को समझने का और समझाने का प्रयास आपका तभी सफल हो सकता है जब आप राम नाम जप करें, प्राण जप करें, श्वासों का ध्यान करें। तो वास्तव में ही बहुत समय के अभ्यास के द्वारा आपका मन समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह जो प्रभु की माया है, यह जल्दी से मन को समझने का और समझाने का प्रयास करने ही नहीं देती है। मन को पता है कि मुझे चैन कहाँ मिलेगा, वह बेचैनी में जी रहा है, लेकिन माया उसको चैन लेने नहीं देती है। इसलिए बंधुओं, आज आप अच्छी तरह समझ लें, जब तक आप मन को समझने का और समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप हर क्षेत्र में असफल ही रहेंगे। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए और पूर्ण शांति के लिए आपको मन को समझाना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। और इसका एक ही रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राण जप करें। अगर आपको कुछ प्राप्ति नहीं होती है तो आप धीरज रखें, क्योंकि धीरज से ही आपको वह रास्ता मिलेगा जो आपको चाहिए। क्योंकि आज का जो समय है वह इस तरह का है, थोड़े दिन किसी ने कुछ बताया, कर लिया, उससे प्राप्ति नहीं हुई तो छोड़ दिया। लेकिन ये वह कार्य है कि इस लोक में के लिए भी है और परलोक के लिए भी है। और बंधुओं, अगर आपने मन को समझा लिया, मन को समझ लिया, तो आप यह समझ लें कि आपने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया। और संतों ने यहाँ तक लिख दिया है कि जिसने मन जीता उसने जग जीता। तो ये झूठी बात नहीं है, ये असत्य नहीं है। तो बंधुओं, इस मन पर फोकस करो। अगर आपने इस मन पर फोकस कर लिया तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, वह भी प्राप्त होगा जो आपने आपके आपको आपने मन ने बताया भी नहीं है, जो मन के अंदर भी छुपा हुआ है। तो बंधुओं, हम तो ये कहना चाहते हैं और संत भी कह रहे हैं, महापुरुष भी कह के चले गए और आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे, इस मन पर फोकस करो, इस मन को समझो
मन को निर्मल बनाओ, और यह मन निर्मल होने में ज्यादा समय नहीं लेता है, लेकिन माया इसको वह कार्य करने नहीं देती है। कोई बिरले ही होते हैं जो इस मन को इस माया से निकालते हैं, क्योंकि माया भी भगवान की है और मन को तो स्वयं भगवान ही बताया है। तो बंधुओं, जैसे आप कमरे में जाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वहाँ अंधेरा होता है, स्विच ऑन करते ही उजाला हो जाता है, ऐसे ही राम नाम जप से, प्राण जप से स्विच ऑन होते ही यह मन निर्मल हो जाता है। इसमें जो अंधकार है वह प्रकाश में बदल जाता है। तो बंधुओं, आप अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस समय मन निर्मल हो जाता है, इतना ही समय लगता है बस स्विच ऑन करने में और ऑफ करने में, इतनी देर में यह निर्मल भी हो जाता है और दूषित भी हो जाता है। लेकिन यह करना आना चाहिए, और यह करना आपको तभी आएगा जब आप प्राण जप करेंगे, नाम जप करेंगे और निरंतर करेंगे। उसमें अगर आपको कोई सफलता नहीं मिली तो आप होपलेस नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको उस स्थिति तक यह मन स्वयं पहुंचा देगा कि मैं किस तरह से निर्मल होता हूँ, किस तरह से दूषित होता हूँ, आपका मन ही आपको बता देगा। तो बंधुओं, आशा करते हैं मन को समझो और इस दुनिया को मुट्ठी में कर लो। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।